देखिए ये जो पूरे हमारे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है सफाई अभियान का, और उसमें लोकल लेवल पे हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस कैंपेन के साथ अपना 100% सहयोग दें। इसके साथ जो आज आपने ट्रिपल आर सेंटर जो हमने यहाँ पे इनॉग्रेट किया, उसका मतलब है जो ट्रिपल आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज। इसमें मैं तमाम बारामूला के आवाम से अपील करता हूँ, जिनके घरों में कोई भी एक्स्ट्रा वेस्ट हो, चाहे ओल्ड बुक्स हो, चाहे प्लास्टिक आइटम्स हो, चाहे यूज्ड क्लोथ्स हो, चाहे फुटवेयर हो या कोई फर्नीचर हो, तो वो इस सेंटर में रख सकते हैं, वो यहाँ बेच सकते हैं। हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के जो सैनिटेशन टीम हैं, शकील साहब हैं, हमारे मामूद यूसुफ साहब हैं, इनके नंबरात अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट पे, जो म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की वेबसाइट है, या हमारे फेसबुक पेज पे वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। ये जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो यहाँ पे उसको डंप कर सकते हैं, ताकि जो कचरा, जो एक्स्ट्रा वेस्ट आपके घरों में है, उसको हम रिसाइकल रीयूज करने की कोशिश करें। इसलिए ये सेंटर का अहतमाम हमने यहाँ पे किया है। ये अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरा इसको स्ट्रक्चरलाइज करने का, ताकि एक स्ट्रक्चर कहीं पे बनाएं हम, ताकि ये ऐसा भी नहीं लगे। यहाँ पे बदकिस्मती से ये भी हुआ, आज तक कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इनिशिएटिव आता है, हम दिखाने के लिए इसको खड़ा करते हैं, मीडिया आ गई, फोटो उड़ गई, तो हो गया ख़त्म। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको जेन्युइनली हम इसको एक सेंटर इसके लिए बनाएं, जहाँ पे लोग ये कचरा जो है, ये जो वेस्ट है, उसको डाल सकते हैं। हमने लोकेशन भी उसके लिए, फ्यूचर के लिए हमने तय की है। तो फिलहाल के लिए फॉर टेम्परेरी यूजेज हमने म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के ही ऑफिस के अहाते में इस शेड को हमने आज इसके लिए हमने इसको तैयार किया है, ताकि जो वेस्ट है, जो भी आपके घरों से निकले, इसको हम यहाँ पे आप लाएं। अगर किसी को कोई इसमें चाहिए हमारी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन, वो भी हम फ्राहम कर सकते हैं। ये जो कचरा है, ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, ये बेसिकली जो प्लास्टिक आइटम्स होता है, जो बुक्स होती है, ओल्ड बुक्स है, यूज्ड क्लोथ्स होता है, जिसको आपने घर पे ऐसे ही रखा होता है, जिसको आप फेंकते भी नहीं हैं, जिसको आप फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं जो सड़कों पे नहीं फेंकते हैं, तो वो सब जो वेस्ट, या पुराना फर्नीचर होता है उसको फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो सड़क पे फेंकने से अच्छा है कि वो हमसे रब्ता करें, हम इसको यहाँ पे जो सेंटर हमने आज फैसिलिटेट किया है इस पे रखें। मैं देखता हूँ हमारी जो टीम्स है, काफ़ी बार हमने सोर्स सेग्रीगेशन की बात की है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, हम तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक लोग पूरा तावन नहीं करेंगे गार्बेज फ्री बारामूला बनाने में। मेजॉरिटी जो है ये लोगों पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, वो किस तरह से इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, आपको भी पता है, हालांकि मैं हर बार, मुझे आधे नाराज़ भी होते हैं आप ओपनली कहते हो, लेकिन ये सच है, चाहे हम म्यूनसिपैलिटी में हैं नहीं हैं, रहें यहाँ पे नहीं रहें, लेकिन जो स्टाफ है ये यहीं रहेगा, और ये भी मुझे बार बार कहते हैं कि हम अपना 100% देते हैं, कहीं कहीं पर शिकायतें भी है, वो भी हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का फ़र्ज़ बनता है, वो इसके साथ जितना ताउन करेगा उतना ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। पहले तो या तो खुद उनको लाना है यहाँ पे, पहली ये चीज़ें खुद अपनी गाड़ी में भर के किसी चीज़ में पैक करके वो यहाँ पे डालें। अगर किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, वो नहीं, वो हमसे रब्ता करेंगे, हम उनके लिए अलग ऊपर हमारे पास है जो हम उनके लिए भेजेंगे।